नमस्कार, आप देख रहे थे मीर्सा, मैं हूँ आपके साथ स्मृति। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पोला हमारे किसान राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बैल पोला देखा है जहां सर्व धर्म स्वभाव यानी हिंदू मुसलमान और अन्य धर्म एक साथ आकर पोला पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। सभी बंधु दरगाह पर गजानन महाराज की आरती के पश्चात अजान होने के बाद बैल की पूजा करके बैल पोला शुरू करते हैं। एक तरफ जहां सामाजिक एकता टूटती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलढाणा जिले के मेहकर तालुका के बेलगांव में पोला त्योहार को एकता के त्योहार के रूप में मनाते हैं। यहां पोला त्योहार की शुरुआत में श्री संत गजानन महाराज की आरती होती है, उसके बाद अजान और फिर रामसीद मिया दरगाह पर जहां गांव के सभी धार्मिक सभाएं बैल की पूजा करती है। रसीद मिया दरगाह क्षेत्र में ग्रामीण अपने बैलों को सजाकर लाते हैं, इसे मंगलाष्टक कहा जाता है, और सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर पोला त्योहार मनाते हैं। बैल पोला में पोला त्योहार जो सामाजिक एकता का संदेश देता है। पोला के दिन सभी किसान अपने बैल को तैयार करते हैं और श्री राम वानखेड़े के बैल के पीछे बाकी बैल हनुमान मंदिर में लाते हैं। यहां से बैंड बाजे के साथ सभी लोग रसीद मियां की दरगाह पर झुकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद किसान अपने बैलों को गांव में घुमाने ले जाते हैं। बता दें कि यहां के गजानन महाराज मंदिर में सुबह और शाम आरती करते हैं। आरती के वक्त गांव में अजान नहीं होती है और बुध विहार में उपासना भी नहीं होती। ठीक उसी तरह अजान के वक्त कोई भी मंदिर में आरती नहीं होती और बौद्ध उपासना के वक्त अजान तथा आरती नहीं होती है। ना केवल राज्य में बल्कि देश में भी इस तरह की एकता कहीं नहीं दिखाई देती है। यहाँ सामाजिक एकता को महत्व दिया जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना इस विषय में बेलगांव के ग्रामीण रितेश वानखेड़े का। हाँ, ये पोळा म्हणजे काय काय नेमकं इथं हे वर्षानुवर्ष चालत आलेला शेतकऱ्यांचा प्रमुख सण म्हणजेच हा पोळा। आणि भरपूर वर्षापासून हा गाजावाजा करत आम्ही मारुतीवाजा पारापासून ते दर्ग्यापर्यंत बँड आणि वाजवत आम्ही सर्व बैल घेऊन दर्ग्यावर जातो आणि तेथे मंगलाष्टम म्हणून हा पोळा साजरा केला जातो। सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्रित येऊन पोळा भरतो की वेगवेगळे भरतात? सर्व जातीचे धर्माचे सर्व लोक इथे जमा होतात आणि यामध्ये मंगलाष्टक म्हणून हा पोळा हा सण साजरा केला जातो। खबर बने रहने के लिए।